हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त अपडेट लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल की RPF के थ्रू जो वैकेंसी आनी है उसके रिगार्डिंग, 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है रेलवे ने, और आपको पता है कि बहुत जल्द इन सभी पोस्ट पे फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, बम्पर नंबर की सीट रहने वाली है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस देखना चाहते हो, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहो तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों जगह फॉलो कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कॉन्स्टेबल एंड SI की न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। अभी के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है ना, 4660 सीट है दोनों को कंबाइन करके। वैसे जब RTI किया गया था, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, उसके थ्रू पूछे जाने पर रेलवे का रिप्लाई आया था कि 23 जनवरी 2024 तक जो खाली यानी वैकेंट सीट है कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए है 9465, मतलब 10,000 के करीब सीट खाली है। लेकिन आपका इस बार वैकेंसी आया है 4208। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 963 सीट खाली है, वैकेंसी 452 सीट पे आया है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बहुत जल्दी सेकेंड वैकेंसी भी आएगी। चलिए अब आगे बात कर ले कि फिलहाल इस वैकेंसी का अप्लाई डेट क्या होने वाला है। 15 अप्रैल से 14 मई तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। 15 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन होना, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। बाद में आपको सर्वर इशू फेस करने से अच्छा है कि समय रहते फॉर्म अप्लाई हो जाए। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल और OBC से लिया जाएगा 500 यानी 500 रुपया, और जो भी अदर कैंडिडेट है इंक्लूडिंग फीमेल्स 250 रुपया उनसे चार्ज लिया जाएगा। अब ये आपका रिफंडेबल फी होता है, जो कि CBT 1 के एग्जाम के बाद आपके अकाउंट पे वापस आ जाता है। 500 में से आपका 390 और 250 में से आपका 240 रुपये आपके अकाउंट पर वापस आ जाते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोनों पोस्ट का एज लिमिट क्या होगा। सबसे पहले तो ये बता दूं किस तिथि से आपका एज कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार सब इंस्पेक्टर के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। कांस्टेबल के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष। पहले जो आपका अपर एज लिमिट था वो 25 इयर्स था। चूंकि आपको पता है कि बहुत डिले होके वैकेंसी आई है, इसके रिगार्डिंग इस साल रेलवे ने 3 इयर्स का जो है एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया है। इसके वजह से SI के लिए 21 से 28 और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि एज में अपर लिमिट का जो रिलैक्सेशन होता है, OBC को 3 इयर्स का मिलता है और SC ST को 5 इयर्स का, तो वो एक्स्ट्रा उनको मिलेगा ही। साथ ही साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स के स्ट्रीम वाले बच्चे हो, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, सभी बच्चे इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए जो 10th पास आउट कैंडिडेट है, जिन्होंने बस 10th पास कर लिया है, कोई भी परसेंटेज है, सभी इलिजिबल होंगे। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज पे डिपेंडेबल होगा। पहले स्टेज पर होगा ऑनलाइन CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसके बाद PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपका शारीरिक मापदंड क्या है वो देखा जाएगा। उसके साथ साथ PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग वगैरह होती है। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिंपली आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़े सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका 120 क्वेश्चंस रहेगा 120 मार्क्स के लिए। समय रहता है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। अब बात करें कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा।
सिंपली रीजनिंग से आपके 35 यानी 35 प्रश्न 35 नंबर के लिए, मैथमेटिक्स के 35 प्रश्न 35 नंबर के लिए, जीके जीएस और आपको साइंस को कंबाइन करके यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 120 प्रश्न 120 नंबर के लिए, समय 90 मिनट और निगेटिव मार्किंग 1/3। तो ये आपका जब क्वालिफाई हो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले स्टेज पर आपको बताया था कि पीएमटी होगा, जिसमें हाइट की मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, एससी एसटी वालों को मिनिमम 160 सेंटीमीटर, फीमेल्स का है 157 सेंटीमीटर, लेकिन जो फीमेल एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है उनका 152। अब बात कर लेते हैं रनिंग की। तो सब इंस्पेक्टर के लिए मेल का जो होता है 1600 मीटर का रनिंग होता है, 6 मिनट 30 सेकंड में उनको कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 800 मीटर का होगा, 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है उसके लिए मेल का रनिंग 1600 मीटर ही होगा, लेकिन उनको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना रहेगा। वहीं पर फीमेल्स को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट का रहता है लॉन्ग जंप 12 फीट का, फीमेल्स को 9 फीट का। उसके बाद आपका क्या होता है, लॉन्ग जंप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए बता दूं, मेल का होगा 14 फीट, फीमेल का 9 फीट। देन हाई जंप होगी, एसआई की पोस्ट के लिए मेल का है 3 फीट 9 इंच, फीमेल का 3 फीट। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो हाई जंप होगी, मेल के लिए 4 फीट का, फीमेल के लिए 3 फीट का। तो जब इसको क्वालिफाई करेंगे तो सिंपली आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। और एक और बात, जो एग्जाम सेंटर होगा वो भी ऑल ओवर इंडिया में होगा, आप जो अपने नियर बाय सिटी चूज करोगे वहां पर ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए चलते चलते बता देती हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, दोनों ही पोस्ट के लिए बताऊंगी। कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है ना, उसकी शुरुआत की जाती है 21,700, मतलब 2200 के अप्रोक्स से स्टार्टिंग होती है, बाद में जब सैलरी बढ़ती है तो 70,000 के करीब जाती है। वहीं पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की शुरुआत होती है 35,400 रुपया से, बाद में बढ़ते बढ़ते सैलरी आपकी 1,12,000 के करीब पहुंच जाती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपको पहले से इसलिए बार बार बताया जा रहा है क्योंकि आप अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लो। और रेलवे ने पुष्टिकरण किया है कि नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आने वाली, लेकिन जब इस टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको हाथ से आप जाने मत दो, एक सीट अपने आप इसमें पक्की कर लो। आई होप कि जो कुछ भी बताया है पोस्ट के रिगार्डिंग, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब भी मन में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।